नमस्ते दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सैमसंग ट्रिक्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन हैंग करता है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ये रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये रिंग बेल को इनेबल कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपने फर्स्ट मेथड पे आते हैं। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए अबाउट फोन में। अगर आपके फ़ोन में पहले से डेवलपर ऑप्शन इनेबल है तो आपको इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप अबाउट फोन पर टैप कर लीजिए। अबाउट फोन में टैप करने के बाद आप बिल्ड नंबर पे 7 times कंटिन्यूस क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद फिर डेवलपर ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन होकर नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने 3 एनिमेशन स्केल आपको अपने फ़ोन में दिखाई देगा। विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो विंडो एनिमेशन स्केल को सबसे पहले ऑफ कर लीजिए, फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को ऑफ कर लीजिए, फिर एनिमेटर को ऑफ कर लीजिए। दैट्स इट। ये फर्स्ट मेथड है, इससे आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा। और सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड में आपको अपने फ़ोन के एप्लीकेशन में जाना होगा, फिर एप्लीकेशन को टैप करना होगा। जो फ़ोन में ऐप्स होता है, जब एप्लीकेशन को आप टैप कीजिएगा तो आपके सामने जितने फ़ोन में डाउनलोडेड एप्लीकेशन है वो आपको शो करने लगेंगे। इसमें से आप हर एक एप्लीकेशन को क्लिक करके उसको मूव कर लीजिए अपने एक्सटर्नल एसडी कार्ड से। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज होगा वो फ्री हो जाएगा, तो आपको स्टोरेज रनिंग प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा एप्लीकेशन की वजह से। इस तरह से आप अपने सारे डाउनलोडेड ऐप्स को एसडी कार्ड में, अपने एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में मूव कर लीजिए। अगर और एक और तरीका, आपने रैम फ्री करने के लिए अपने फ़ोन के रनिंग ऑप्शन में जाइए। रनिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं इतने सारे एप्लीकेशन जो हैं वो बैकग्राउंड में रन करते हैं। सब लोग समझते हैं कि रिसेंट ऐप से आपने एप्लीकेशन क्लोज कर दिया और वो एप्लीकेशन बंद हो गया, लेकिन वो एप्लीकेशन रनिंग में, जैसे प्रीमो है, मैंने चला नहीं रहा था, उसको क्लिक करके स्टॉप कर दिया, ये एप्लीकेशन यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं है या फिर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे टेक एंड ट्रिक्स के लिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।